फ्रेंड्स, जब भी मैं अपने कोई भी वीडियो पर कमेंट पढ़ता हूँ तो उसमें बहुत सारे कमेंट ऐसे होते हैं जिनमें आप सभी पूछते हैं कि सिविल सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किस रोल का होता है, किस पोस्ट का, किस डेजिग्नेशन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिस पे मैक्सिमम वर्क जो है वो डिपेंड करता है, चाहे वो बजट हो, चाहे वो एग्जीक्यूशन हो, चाहे वो बिलिंग हो या कुछ भी, ये सब चीज़ें किस रोल पर डिपेंड करती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ QS एंड RA का काम, यानी कि क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस का जो काम है ना, वो सबसे इनिशियल स्टेज में किसी भी प्रोजेक्ट का किया जाता है। जब कोई भी प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टेज में रहती है, उस दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम रहता है ना, वो क्वांटिटी सर्वेयर का ही रहता है, क्योंकि उस वक्त आपके पास सारे प्रोजेक्ट्स के टेक्निकल डिटेल्स नहीं रहते। एक तो आपको थंब रूल के ऊपर काम करना पड़ता है और उसी की मदद से पूरा बजट भी बनाना पड़ता है, इसलिए इस पर आपका पूरा आगे का आने वाला काम जो है वो डिपेंड करता है। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे टाटा हो गई, शाहपुर जी हो गई, L&T हो गई, एफकॉन्स हो गया, इन सभी कंपनियों में क्वांटिटी सर्वेयर का जो रोल है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी खासी होती है। हमारे कंपनी में जो QS पोस्ट पे हैं, उनकी सैलरी लाख से शुरू होकर 2.5-2.5 लाख तक जाती है। तो इससे ही आप एक इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके स्किल के इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं, क्योंकि डिटेल ड्राइंग के बिना ही उन्हें बड़े बड़े प्रोजेक्ट का बजट तैयार करना पड़ता है, वो भी एरिया के ऊपर बेस करके, थंब रूल के ऊपर बेस करके, जो कि आसान काम नहीं है। उसके बाद जब आप किसी भी काम को असाइन करते हो किसी कॉन्ट्रैक्टर को, तो आपको रेट एनालिसिस भी आना चाहिए, क्योंकि आप अपना जो काम करवाओगे वो मटेरियल के साथ करवाना है या विदाउट मटेरियल करवाना है, ये हर एक चीज के लिए आपको रेट एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप क्या क्या डिटेलिंग के साथ काम करवाओगे ये सिर्फ आप ही जानते हो। तो आपको रेट एनालिसिस आना चाहिए कि हाँ, मैं ये सब काम करवाऊंगा, मेरा इतना रेट पड़ना चाहिए, तब जाके आप किसी भी काम को किसी भी रेट पे और किसी कॉन्ट्रैक्टर को दोगे तो सही रेट में दे पाओगे। या फिर आप कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपको तो टेंडर भरना पड़ेगा, जिसमें आपको हर वर्क का रेट एनालिसिस खुद से करना पड़ेगा। तो क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, वो मैं आपको सिर्फ एक वीडियो में नहीं समझा सकता। इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है जो आपके द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद भी किया गया है, उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, उसको भी जाकर देख लीजिएगा। तो अगर आप भी इस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको गाइड करना चाहूँगा। सॉल्टी एडुकेशन आप लोग के लिए एडवांस क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस का न्यू बैच ले आया है इस दिवाली के वीक में। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप इस कोर्स के पूरे कंटेंट को आप देख लीजिए, ताकि आप अच्छे से समझ पाए और इसमें आप क्या क्या स्किल्स गेन करने वाले हो, ये सब आप देख कर ही इस कोर्स में खुद को एनरोल करें। तो जिन्हें नहीं पता सॉल्टी एडुकेशन के बारे में, मैं उन्हें बता दूं कि सॉल्टी एडुकेशन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज आप लोगों को प्रोवाइड करती है, वो बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में विद हाई क्वालिटी कंटेंट। इसलिए इनके मिशन और विजन को देखते हुए इंडिया के एक्स कीपर सौरभ गांगुली के द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया गया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो टॉपिक है यहाँ पर, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर रेट एनालिसिस की बात करें तो ब्रिकवर्क का हो गया, चाहे वो फाउंडेशन लेवल पे या प्लिंथ लेवल पर, इसका अलग अलग रेट होता है, वो आपको यहाँ पर निकालना बताया जाएगा। सुपर स्ट्रक्चर में हम लोग जो हाफ ब्रिक यूज करते हैं उसका, उसी के साथ ही अर्थ फिलिंग के रेट एनालिसिस कैसे करते हैं, चाहे वो आप अपने साइट पर फिलिंग कर रहे हो या बाहर से लाकर फिलिंग करवा रहे हो, ये दोनों के लिए ही अलग अलग रेट होता है, वो सभी हम यहाँ पर निकालना सीखेंगे। अर्थवर्क का ड्रेसिंग हो गया, सरफेस ड्रेसिंग हो गया, लेवल करने का हो गया, इन सब का रेट एनालिसिस आप कैसे निकालते हो वो भी आप यहाँ पे सीखने वाले हो। फिर रिवायरिंग वर्क हो गई, स्टेयर केस में रेलिंग लगाना हो गया, आरसीसी स्ट्रक्चर में स्टील बार लगाना हो गया, इन सब का रेट एनालिसिस डिटेल में हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। इसके बाद POP का काम हो गया, AC ब्लॉक का काम हो गया, एक्सटीरियर टेक्सचर पेंट हो गई, वाटरप्रूफिंग का काम हो गया, पुट्टी, PCC वर्क, एडी डटमेंट ट्रीटमेंट वर्क, RCC वर्क, सैंड फिलिंग वर्क, स्टोन सोलिंग वर्क, टाइल्स वर्क, इन सभी का रेट एनालिसिस इसमें कवर किया गया है। उसके बाद यहाँ पर ग्लास पार्टीशन का काम हो गया, IPS फ्लोरिंग, शटरिंग एंड फॉर्म वर्क, टेप क्रीट, वाटरप्रूफिंग, टाइल क्लैडिंग वर्क, सीलिंग प्लास्टर, वाटरप्रूफिंग प्लास्टर, एक्सटर्नल प्लास्टर हो गया, फ्लश डोर विथ लैमिनेट एंड विनियर फिनिश हो गया, इंटरनल प्लास्टर, जिप्सम प्लास्टर हो गया, इन सभी का डिटेल में रेट एनालिसिस आपको सिखाया जाएगा यहाँ पर। तो कितने डिटेल में ये चीज़ यहाँ पे कवर किया गया है आप लोग यहाँ पर समझ ही सकते हो। उसके बाद कोटा स्टोन फ्लोरिंग है, लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग है, CP टीक वुड डोर फ्रेम है, ग्रेनाइट वर्क हो गया, इटालियन मार्बल हो गया, PVC वर्क, पेपर एप्लीकेशन,
रेडमी वुड वर्क, डोर वुड फ्रेम, इस तरीके से और भी बहुत कुछ है जो कि यहाँ पर कवर किया गया है। ये सभी के रेट एनालिसिस आप यहाँ पर करना सीखोगे। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्वांटिटी सर्वे का पार्ट। इसमें सबसे पहले आप सब स्ट्रक्चर कवर किया गया है। सब स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं सरफेस ड्रेसिंग, एक्सकवेशन, कॉन्क्रीट क्वांटिटी, फॉर्मो कैलकुलेशन हो गया, कॉलम बीम स्लैब का, उसके बाद ब्रिकवर्क का क्वांटिटी हो गई, प्लास्टर क्वांटिटी, टाइल्स मार्बल क्वांटिटी, पेंटिंग पुट्टी क्वांटिटी, वुड वर्क हो गया, इन सभी का क्वांटिटी आप निकालना सीखेंगे। फिर एस्टिमेशन की बहुत सारी टेक्निक होती है जिसको आपको यूज करना होता है कंस्ट्रक्शन के अलग अलग स्टेज पे, लाइक प्री कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, पोस्ट कंस्ट्रक्शन। रफ एस्टिमेट भी निकालना पड़ता है यहाँ पर आपको। उसके बाद बिलिंग का मेजरमेंट के लिए IS कोड हम जो फॉलो करते हैं IS 1200, वो डिटेल में यहाँ पर कवर किया गया है अलग अलग वर्क के लिए, लाइक एंटी टर्पेंट ट्रीटमेंट, ब्रिक वर्क एंड मेजरमेंट, कॉन्क्रीट वर्क मेजरमेंट, एक्सकवेशन, फॉर्म वर्क मेजरमेंट, ग्लेजिंग वर्क, प्लास्टर वर्क, साइड क्लीनिंग, स्टील वर्क, स्टोन वर्क, व्हाइट वॉशिंग मेजरमेंट हो गया। इन सबको आपको मेजरमेंट आपको करना है यहाँ पर एज पर IS कोड बताया जाएगा। आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितने डिटेल में यहाँ पर सभी चीज कवर किया गया है। अब इस कोर्स के फीचर्स की बात करें तो आपको यहाँ पर कोर्स की लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है, वैलिड सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलता है, डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं, प्रैक्टिस के लिए मटेरियल, डेटा, PDF, फैक्शन शीट्स और भी फॉर्मेट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अब देख लेते हैं कि इस एडवांस क्वांटिटी सर्वे एंड डेटा एनालिसिस कोर्स के लिए आपको यहाँ पर कितना पे करना पड़ेगा। अभी के टाइम में, दिवाली के टाइम में, ये बिल्कुल ऑफर में चल रहा है और आप इसको बहुत ही कम प्राइस यानी कि 999 रुपीज़ में इसको आप अवेलेबल कर सकते हो। इस कोर्स को बहुत ही कम प्राइस में सर्टिफिकेट आपको ये कोर्स अभी प्रोवाइड कर रहा है इस दिवाली के वीक में। इस कोर्स को 999 रुपीज़ में एनरोल करने के लिए आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा, दिवाली DIWALY। इस कूपन कोड को अप्लाई करते ही आप इसको 85% ऑफ में अगले 3 दिन के लिए इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो खुद को। तो याद रहे 3 दिन का ही ऑफर है, देर ना करें। 3 दिन में अगर आप यहाँ पे ले लेते हैं तो आप यहाँ पे 85% तक का सेव भी कर सकते हैं कूपन कोड को अप्लाई करके। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सॉल्टी एडुकेशन के ऑफिशियल ऐप का आपको लिंक मिल जाएगा, फिर आप प्ले स्टोर पे जाकर सर्च भी कर सकते हैं सॉल्टी एडुकेशन, आपको सबसे ऊपर इनका ऑफिशियल ऐप मिल जाता है। आपको ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, अपने नंबर से साइन अप कर लेना है। जिस कोर्स के लिए आप एनरोल करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करके आप पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट करने के बाद उस कोर्स में आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ पर सभी चीज क्लियर हो गया है। फिर भी कोई डाउट, कोई परेशानी है तो आप नंबर देख पा रहे हैं, इस नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को सारी चीज क्लियर हो गया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, सभी चीज के ऑफिशियल लिंक आपको मिल जाएंगे। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।